차들이 좀 주지. तुर्की विच सोमवार तड़के एक तो बाद एक भूचाल के दो शक्तिशाली झटके महसूस किए गए। भूचाल कारण वड्डी तबाही हुई है ते सैकड़े लोगों की जान चली गई है। तुर्की सरकार ने एमरजेंसी लगाउण का ऐलान भी कर दिता है। बीबीसी तुर्की सेवा के पत्रकारों ने दसिया कि भूचाल प्रभावित इलाकों विच इमारतों को वड्डा नुकसान पहुंचा। हुण तक 140 तो वध इमारतां टैटेरी हो चुकी हैं। अमरीकी भू विज्ञानिक सर्वेखण USGS मुताबक पहला झटका सीरिया की सरहद के नेड़े गाजियन टेप नेड़े महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता 7.8 सी। खबर एजेंसी AFP मुताबक ये झटके स्थानक समय अनुसार सवेरे 4:17 से लगे। इस तो 15 मिनट बाद मध्य तुर्की भूचाल का दूजा झटका महसूस किया गया। तुर्की के नाल लगते लिबनान, सीरिया, साइप्रस में भी भूचाल के झटके महसूस किए गए हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अरदवान ने ट्विटर से भूचाल प्रभावित इलाकों शुरू किए गए बचाव कार्यों की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है, मैं कहमान नार्श समेत देश के होर इलाकों में भूचाल तो प्रभावित हुए नागरिकों प्रति संवेदना प्रकट करता हाँ। साड़िया बचा दिया टीम AFAD तालमेल में हैं और सरगर्मी काम कर रही हैं। पाल और बचाव टीमों भूचाल प्रभावित इलाकों में भेजा गया। इस नाल ही गृह मंत्रालय समेत होर एजेंसियों वालों बचाव कार्य शुरू कर दिए गए हैं। तुर्की के अंदरूनी मामलों के मंत्री सुलेमान शोलू ने दसिया इस विच तुर्की के 10 शहर प्रभावित हुए हैं। उन्होंने दसिया कि देश भर में पाल ते राहत टीमों तैनात कर दिया गया। इस दे नाल ही हाई अलर्ट भी जारी किया गया। गाजियन टेप च आए भूचाल का केंद्र तुर्की तो 26 किलोमीटर पूर्व च नूरदा शहर दसिया जा रहा है। GFZ मुताबक भूचाल का केंद्र जमीन तो 10 किलोमीटर हेठा सी। USGS मुताबक भूचाल के दूजे झटके की तीव्रता 6.7 सी, जिसका केंद्र जमीन तो 9.9 किलोमीटर हेठा सी। तुर्की विच मची तबाही नूं देखदिआं अमरीका भी मदद दे लई अगे आया है। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी नूं यह अनुमान लगाउण लई कहा है कि अजिहे हालातों विच किस तरीके नाल मदद पहुंचाई जाए यह देखा जाए। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलविन ने कहा है कि तुर्की और सीरिया विच भूचाल आउण नाल जो तबाही हुई है उस दे नाल अमरीका चिंता विच है। उन्होंने लिखा, मैं तुर्की विच अधिकारियों नाल संपर्क विच हाँ, इस मौके पर हर तरह की मदद करन नूं असी तैयार हाँ। तुर्की की इस स्थिति पर असी नज़र बनाई हुई है। उधर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना से डूंघा दुख प्रगट किया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, तुर्की विच आए भूचाल कारण जान माल का जो नुकसान होया उसके कारण मैं दुखी हाँ, परिवारों के नाल संवेदना प्रगट करता हाँ, जख्मी लोगों के छेती ठीक होने की कामना करता हाँ। भारत तुर्की के लोगों के नाल खड़ा है और इस संकट की घड़ी विचों उभरन के लिए हर संभव मदद करने तैयार है।